भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी हिंदू कार्यकर्ताओं, मेरी माताओं बहनों और सभी मेरे दुश्मनों को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हालचाल है सबका? सबका स्वास्थ्य ठीक है ना? खास करके मेरे दुश्मनों का, खाते पीते रहो बेटा, आने वाला समय युद्ध का समय है और बहुत मज़ा आएगा जब देश के हित में जब युद्ध होगा, तो देश हित में कौन खड़ा होगा और देश के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये देखने का समय बस आने वाला है। साथ ही साथ मेरे भाइयों, एक कश्मीरी कुत्ता भोंका, कश्मीरी कुत्ता उमर अब्दुल्ला क्या कहता है कि अगर कश्मीर में कश्मीरियों को ऐसे ही मारते रहोगे और धारा 370 अगर हटाने की योजना बनाओगे तो देखेंगे अमरनाथ यात्रा हिंदू कैसा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक वार्निंग दी है, तो मैं उमर अब्दुल्ला को थोड़ा सा इतिहास याद कर लेने की बात कहूँगा कि एक समय आया था अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी, तो वो समय पर तुम सारे कश्मीरी मुल्लों का बाप बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये था, ये बाला साहेब जी ने कहे थे, बाला साहेब ठाकरे जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए थे कि अगर अमरनाथ यात्रा रुकेगी तो मुंबई से एक भी प्लेन हज यात्रा के लिए नहीं उड़ेगा। ये हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने वो समय पर कहा था, डंके की चोट पर। तो उमर अब्दुल्ला एक बार बाला साहेब ठाकरे जी के जो शब्द थे, जो उनका इतिहास था, तमाम मीडिया में आया था। अगर तू यूट्यूब पे सर्च करेगा तो भी तुझे मिल जाएगा, इतिहास उठाकर देख ले। भगवान शंकर भोलेनाथ अमरनाथ की यात्रा कोई मय का लाल, कोई बाल का बाल भी नहीं रोक सकता। तू किस खेत की मूली और तुम लोगों का अंत बहुत निकट है। अभी सारी दुनिया मोदी जी को सवाल जवाब कर रही थी कि कश्मीर में सेना मर रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अभी मोदी जी का जो ये डिसीशन है और जो समर्थन वहाँ की सरकार से जो ले लिए वापस, ये बहुत पहले करना था, ठीक है, आज करें खुशी की बात है, लेकिन जो समर्थन हटाने के बाद में जो स्पेशली एनर्जी कमांडो का जो गठन किया गया, वहाँ पर जो कमांडो को जो छोड़ा गया, और अभी इनका स्वच्छ भारत कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। स्वच्छ भारत यानी जो कश्मीर में जो नपुंसक जो पीछे से हमला करते थे हमारी सेना पर, उनका काम स्टार्ट हो गया तमाम होना। अभी हम न्यूज़ में देख सकते हैं, और एक सरपंच के घर में कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे, उनका भी काम तमाम हो गया। अभी कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे, अभी तो समय है, अभी तो राष्ट्रपति शासन है, लेकिन ये जो समय है तुम्हारे बाप और तुम्हारे छक्के छुटाने वाले आर्मी का राज है, और अब तुम बच के रहना। और खास करके पत्थरबाजों जो 500 रुपये में, 700 रुपये में, जो महीने के 4000, 7000, 5000 में जो तुम पत्थर फेंकते हो ना, खास करके सालो, तुम लोग बच के रहो, क्योंकि अब तुम्हारी खराबी आ गई, क्योंकि अब आर्मी सुनने वाली नहीं है। अब पत्थर का बदला तो गोली से लेंगी हमारी आर्मी। बहुत बर्दाश्त हो चुका, बहुत तुम लोग राज कर लिए, बहुत हमारी सेना पर तुमने पत्थर फेंका, अब तो सालों तुम्हारी खराबी स्टार्ट हो गई समझो। अब सालों तुम पूरे के पूरे बच के रहो। और रही अमरनाथ यात्रा की रोकने की बात, उमर अब्दुल्ला इतिहास देख ले, आज हिंदू
अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने आते हैं, तभी तुम्हारे कश्मीर का मुसलमान को दो वक्त की रोटी मिलती है। जिस दिन हमारे हिंदू अमरनाथ यात्रा को दर्शन करने अगर बंद कर दिए, तुम सालों भूखे मर जाओगे। मोदी जी बार बार क्या कहते हैं, फेंको हथियार और कलम उठाओ, विकास की राह पर चलो, कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करो, कश्मीर बहुत विकास की राह पर चलेगा। लेकिन तुम नपुंसक, तुम 1500 में बिकने वाले कुत्ते, तुम कहाँ छोड़ेंगे पत्थर फेंकना। लेकिन एक बात याद रखना, आज अमरनाथ यात्रा हर साल चल रही है तो ही तुम्हारे घर दार चल रहे, ये समझ के चलो। और जिस दिन, यानी बार बार मैं हर साल मेरे हिंदू भाई बंधुओं को एक निवेदन करता हूँ, हर साल एवरी ईयर क्या कहता हूँ मेरे हिंदू भाई बंधुओं को कि आप अमरनाथ की यात्रा जाइए, दर्शन कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन कोई भी पत्थरबाज जो हमारी सेना पर पत्थर फेंकता हो, ऐसे गोल टोपी वाले से, ऐसे कश्मीरी मुसलमान से एक रुपए की चीज भी मत खरीदो। मैं हर साल बोलता हूँ, एवरी ईयर, और इस वर्ष भी बोलूँगा कि जितने भी मेरे भाई बंधु अमरनाथ यात्रा भगवान भोले जी के दर्शन करने जाएंगे, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार एक छोटी सी पहल करके देखो। आज जो कश्मीर में जो पत्थरबाज है ना, भूल जाएंगे पत्थर फेंकना। और ये जो साले आतंकवादी का चोला पहनकर हमारी आर्मी पर हमला करते हैं ना, और गरीब जनता के ऊपर बम फेंकते हैं ना, पिछले वर्ष हमारे अमरनाथ यात्रियों पर भी इन्होंने गोली चलाई, नपुंसक साले, जिनके हाथ में हथियार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं उनके हाथ में, उनके ऊपर सालों तुमने गोली चलाई है, निर्दोष लोगों की हत्या की है तुम लोगों ने। अरे अगर एक बाप की औलाद हो, तुम तो एक बाप की औलाद ही नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ रहती, तुम्हारा बाप कहीं और रहता। अगर सचमुच में तुम एक बाप की औलाद हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़के देख लो, किसमें कितना दम है, तुम्हें पता चल जाएगा। कश्मीरी कुत्तो, एक बार आमने सामने की लड़ाई करके देख लो, फिर किसमें कितना दम है तुम्हें पता चल जाएगा। और कान खोल के सुन लो, अमरनाथ यात्रा रोकने का प्रयत्न भी करोगे, वो समय पर हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने जो बात कही थी, आज हम भी वो बात कर सकते, लेकिन हम जैसे कुछ लोग ऑलरेडी पीछे पड़े हुए, हम शहर का माहौल खराब नहीं करना चाहते बेटा, ये देश है हमारा, ये हिंदुस्तान है हमारा, और जिसको इस देश में रहना है वो खामोश और मिलजुल के रहे। अगर ज्यादा होशियारी करने की सोचे बेटा, क्योंकि कई वर्षों से नपुंसकों की सरकार थी, आज तुम्हारे बाप मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार में बेटा ये सब नहीं चलेगा। कब नीचे से तुम्हारी जमीन खींच लेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम कब कफन में, कब तुम कब्र में दफन हो जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, वैसा तुम्हें साफ कर देंगे। और मेरे सभी हिंदू भाई बंधुओं, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, जो भी हिंदू भाई बंधु अमरनाथ यात्रा जाता है, उनसे निवेदन है कि जो मेरी आर्मी पर पत्थर फेंके, ऐसे हरामियों से एक रुपए की चीज़ भी ना खरीदे, जाइए दर्शन करिए फिर रिटर्न आइए, और जिससे भी खरीदे वो तिलकधारी से खरीदे। यही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए, धन्यवाद, जय श्री राम, भारत माता की जय।